उड़ जा। उठ उठ उठता नहीं सोरा मितगा। अब रे कपूरी तो अच्छी खासी हजामत कर दी रही सुबह सुबह। ये देखो ये तो उल्ट भी नहीं रहा है, ये देख रहा है। उड़ जा कल देख देख उड़ जाते हम तो इच्छे करके। तो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे रजा मत कीजो मम्मी, रजा मत कीजो, सोने दो। देखो देखो लोमड़े को, ये और मम्मी की मदद करा लोमड़ी की औलाद, ये ना हड्डी और चाप रहा है। देखो अरे कुचर रहा हो लोमड़ी, ये तो हड्डी के पीछे पड़ी हुई है सुबह से ही। कुलदीप तोड़ चुका है दोस्तों, और ये देखो उठ के जा रहा है रूम में, चला गया। गुर्रा गुर्रा के जा रही मम्मी। तन्नु तन्नु, ये आपको पता है मैं चाचा की बेटी दोस्तों तन्नू। शॉर्ट वीडियोस में आपने देखा कि मन्नू, तो मन्नू तो जा चुकी है, लेकिन कपूड़ी जो है मन्नू को ज्यादा पसंद करता है, मन्नू के साथ खूब खेला है। और ये लपूड़ा देखो, ये सुबह से नौटंकी कर रहा है, कभी तो पट्टे से खेल रहा है, कभी हड्डी से खेल रहा है। खेलूंगा हड्डी से भी खेलूंगा, पट्टे से भी खेलूंगा। तो लोमड़ी को पकड़ो, अरे पकड़ो इस लोमड़ी को, पकड़ो 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 लोमड़ी। बहुत तेज भागता है और तांगे और तोड़ देता है देखो पट्टे से मार मार के। आपको तो पता ही दोस्तों ये ब्रूस ली का भाई चूस ली, और ये चूस ली बहुत तगड़ा नॉन चाकू चलाता है, देखो क्या चला रहा है नॉन चाकू। मैं चूस ली हूं, चूस ली। ये क्या नाटक है, ऐसे ही करता है क्या, उधर से इधर आके सो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपडेट देता हूँ सुबह का, ये देखिए आप किचन जो है हमारी एकदम साफ हो चुकी है, छाए मम्मी पापा बना के पी चुके हैं, मेरे को जहां तक लग रहा है। बाकी यहाँ पर देखो आप पूरा यहाँ पर किचन साफ हो रखा है। इस रूम में देखे मम्मी ने पूजा कर दी गणेश जी की। हमारा स्टूडियो दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो दोस्तों हमारा स्टूडियो, हमने कल रिएक्शन वीडियो शूट करी थी, और ये देखिए आदरणीय कुलदीप जी किस तरह से लेटे हुए हमारे स्टूडियो में। उठ यहाँ से, मरीज है क्या यहाँ पर, उठ के जैसे जोश में आया था और देखो किसे पड़ा हुआ आड़ा होके। और ये जो चीज आपको दिख रही ना, यहाँ पर आप एक चीज मिसिंग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा स्पीकर रखा था, लेकिन उस स्पीकर को भी हम गणेश जी की पूजा में काम ले रहे हैं, उनमें हम भजन लगाते हैं। काम नहीं करता है तो देख देख कर रहा है। नाश्ता क्या खाया लोमड़ी? मैंने दो चपाती खा ली सुबह सुबह नाश्ते में। गप्पूड़ी ने तो दो चपाती खा ली दोस्तों सुबह सुबह। और ये बाहर का एक मनोरम दृश्य, धूप आ चुकी है, और दोस्तों क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। देखो हमारा छोटा सा गार्डन है, लेकिन हमने एक अशोका लगा रखा है, एक उधर अशोका लगा रखा है, एक अमरूद का पेड़ लगा रखा है, और थोड़े छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। इसलिए आप भी पौधे लगाइए दोस्तों, और हमारे पर्यावरण की रक्षा करिए, और मेरे दोस्तों को खाना खिला के उनकी भी रक्षा करिए। हाँ, और आप ऐसे भी बहुत सारे दोस्तों जो चाय के लिए तड़पते होंगे, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तो ये अभी खुद का सतुना कर रही है। मेरा सतुना भी कर दे थोड़ा सा। और आज मेरे पापा जो है उनकी भी छुट्टी है, मेरे बड़े पापा का जो लड़का है दोस्तों करीबन 28 साल का है, उसके पेट में अपेंडिक्स का कुछ प्रॉब्लम आया है, तो उसको देखने जा रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको सुबह का माहौल बता दिया, ये हमारे घर का सुबह का माहौल है। अब क्या करते हैं समझ गए होंगे आप। क्या हो गया, गिर गया क्या बाथरूम में? नहीं 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 गिरा, निकल बाहर निकल, चेक करने आ गई थी लोमड़ी की औलाद। तो दोस्तों मेरा मन जो है बाथरूम में आने के बदल चुका है, क्यों, क्योंकि कल रात के 12:30 बजे दोस्तों मैं ऑलरेडी नहा के सोया हूँ, ये नए कपड़े पहन के सोया हूँ, लोमड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। इंतजार मत करे कर, मंजन कर दूंगा तेरे भी ऐसे करके। मंजन क्या तेरा पंखा चला दिया गया है भाई जी, हमारी पोछा लगा के गई है दोस्तों अभी भी, और गीले पर ये बैठ जाता है अच्छे करके, इसलिए पंगल होता है इसके। मंजन मंजन गबुली का मंजन, गबुली का मंजन, मंजन कर लिया आप मुंह में धो लेता हूँ। ये साला पागल हो गया है क्या? पागल नहीं हो रहा हूँ, गाना गा के सुबह अच्छी कर रहा हूँ, समझा कि नहीं समझा, नाच लूंगा ऐसे करके तेरे सामने। देख किस आराम से बैठा हुआ है, देखो यहाँ इस रूम में कोई नहीं है, लेकिन पंखा लाइट सब चला रखा है इन्होंने, ऐसे ही करते हैं हर बारी। मुंह पोंछ के फ्री हो जाता हूँ फटाफट।
तन्नो कुछ कर वीडियो में। तन्नो से तकिया छीन ले कपड़ी तकिया, ये ले छीन ले तन्नो से तकिया। उठो ऐसे कैसी काम चलेगा, नाचो वीडियो में ऐसे कर करके, यूं कर करके नाचो तभी जाके वीडियो अच्छी बनेगी। और ये पापा जो है ये जाते हुए दोस्तों मेरे बड़े भैया से मिलने, वो आपको पता है ना, मैंने बताया था ना हॉस्पिटल में भर्ती है। जिंदगी भी कैसी है यार, अभी तो पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वो दौड़ रहे थे भाग रहे थे। दूध वाले अंकल जी आ गए, आवाज आई मुझे, दूध आ गया भाई दूध। ये भगोनी लेके रेडी भी हो चुका है, देखो ये देखिए दोस्तों वो हमारे पड़ोसी को दूध देते हुए, एंड अभी कुलदीप भैया भी भगोनी लेके खड़े हैं और अभी इनको भी दिया जाएगा। अरे कुलदीप सेलिब्रिटी बन गया, आपको पता नहीं है? हाँ बहुत बड़ा सितारा बन गया कुलदीप, लोग बाग मिलने आने लगे कुलदीप से। मिठाई तो बटेगी लेकिन इससे पहले अंदर चलो स्टार सर, अंदर चलो। अभी घर में दूध पर विवाद हो गया था, हम जो है दोस्तों 1.5 किलो दूध लेते हैं, मम्मी कहती दूध वाले भैया से 2 किलो दूध चाहिए हमको, 2 किलो एक बच्चा, ये देखो 2 बच्ची, ये देखो 3 बकड़ा। ये दूध गर्म होने चढ़ा दिए, हम नहीं सुधरेंगे थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तन्नू तो रोटी बना रही है देखो आप यहाँ पर, तो गट्टू का बन रहा है दोस्तों अभी तो खाना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों नाश्ता बन चुका है, नाश्ते में बनाए हैं पुलाव। और कुलदीप किधर है? पागल है क्या तू? वहाँ तो नहीं बैठा है, यहाँ क्यों बैठा है? और ये यहाँ पर जिम कर रहा है, देख लो दोस्तों नौटंकी कर रहा है। कैसे लग रहे तन्नू तावल और दही? ये अक्षरा वाला सीरियल देख रही दोस्तों, पुराना जो ये रिश्ता क्या कहलाता का सीजन है, वो बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है समय दीदी की और मेरी। अभी हम खाते हैं हमारा पुलाव, ये चम्मच पटको और पुलाव खत्म। मंगू भी गई है, तन्नू भी जा रही है। और ये तन्नू जाती हुई घर पे, क्या ये तो ये दोनों जाते हुए दोस्तों, कुलदीप जा रहा है तन्नू को छोड़ने, बाय। निकलो दोनों के दोनों यहाँ से, भागो, मारू सालों में मारू, ये चले गए। दोस्तों अभी दिन की बज रही है 4:30 और घर में बिल्कुल है सन्नाटा, क्योंकि आपको पता है मम्मी का मैंने बताया था वो अभी तक नहीं आई है। कुलदीप जो है तन्नू को हमारे कोटा में रंगबाड़ी है वहाँ पर छोड़ने गया है। मेरे साथ मेरी बब्बूड़ी है, ओल मेली बब्बूली और मैं, हम दोनों भी चोले थे, ये देखो कैसे चोला है। कहीं बोल पूरा घर में सन्नाटा ही सन्नाटा है, ये देखो पूरा घर सन्नाटे में लिपते, देख सकते हो आप। अभी आपको सरप्राइज कुछ नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपको टंकी के पास काई दिख रही होगी, जो कि ज्यादातर टंकियों के पास रहती है, हालांकि हमारी टंकी के ज्यादा हो रही है काई, लेकिन ये नहीं दिखाना है। यहाँ पर जो मंजर था ना वो इतना भयानक था कि मैं आपको दिखाई नहीं सकता था, इसलिए मैं उसको पहले साफ किया हूं और आप आया हूं दिखाने। तो वो सारे पेड़ पौधों को मैंने उखाड़ के हमारी पिंजरी में पटका है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। सोचो दोस्तों हमारी टंकी के पास पूरा जंगल ही उग गया था, देखो कितने सारे पौधे सारे टंकी के पास उग रहे थे, मैंने उखाड़ उखाड़ के इनको इधर पटक दिया, आप देख सकते हो इनकी काई भी लग रही है। मैंने इसलिए पटके क्योंकि यहाँ सूख जाएंगे पूरी धूप से, फिर इनको फेंक देंगे हम यहाँ से। और भयंकर गर्मी पड़ रही है और हमारे सामने भी आप देख सकते हो पूरा जंगल उग चुका है। बारिश का ये कमाल है कि हर चीज में जान डाल देती है बारिश, तो ये देख लो आप। हे इधर घूम रहा था लोमड़ी के औलाद, वहां पर शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी, चल नीचे पांव चेक करो। फाइनली हम आ चुके हैं नीचे और अब डांस कर रहे हैं पोर्च में ऐसे ऐसे कर करके, और हमारी गब्बूड़ी गेट खुलने का इंतजार करने के लिए यहाँ बैठ गई है। चबी गेट खुलने की चबी, थोड़ी सी देर में हालत देखो मेरे कितनी उमस हो गई मुंडे पे। आ गए भाई आ गए, हलवा वाले आ गए।